नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञानशाला में। मैं अमित शुक्ला आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपकी आज 18 नवंबर 2018 को जो टीईटी का प्राइमरी स्तर का जो पेपर हुआ है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका अब वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इंग्लिश का वीडियो भी मैंने डाला है। इंग्लिश के वीडियो को, इंग्लिश पोर्शन के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, और यह इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से अपनी इंग्लिश के भी देख सकते हो। आइए मैथमेटिक्स के सही जवाब आपको देता हूँ। सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा इस वीडियो, इसलिए मैं केवल आंसर दे रहा हूँ। 91 में देखिएगा, कह रहा है 8/4/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। इसका सही जवाब होगा बृहस्पतिवार आएगा भैया, इसका सही जवाब आपका होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में आपको देख करके बताना है कि ये वाई और ये एक्स डिग्री का मान बताना है। इसका सही जो जवाब होगा 10 डिग्री निकलेगा, वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान जो होगा 10 डिग्री। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य 325 रुपए होगा, 325 रुपए में अगर वो खरीदता है तब वो 20% लाभ लेने के लिए 390 पर बेचेगा। कैसे निकला इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा, वीडियो पर ये नहीं बताया जा सकता, मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में आ जाइएगा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत जो होगा भैया, वो आपका सही जवाब जो है वो है 8/1/3। 8/1/3 इसका सही जवाब है, 8/1/3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगला है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो सही जवाब है 100 दिनों में, 100 दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। कैलकुलेट करके देखिए, यही आपका सही जवाब निकलेगा। 95 के बाद आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में, 96 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर सम चतुर्भुज की भुजा है, क्या है भुजा। इसका सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे अगर आपने टिक लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। 97 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यदि CAQ बराबर 70 डिग्री है तो कोण ABC कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा 70 डिग्री। ये जो टिक लगाया है आपका पहला जवाब, यही आपका सही जवाब होगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताएं। 33/1/3 प्रतिशत, 33/1/3 प्रतिशत। 99 का सही जवाब आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो 16/30 ऐसी है जो 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती। यदि 3 पेन, क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है तो 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 है तो 24 पेन का मूल्य बताएं। तो 24 पेन का जो मूल्य होगा वो आपका जो सही जवाब होगा वो है 600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर, तो 101 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल तीन कोण दिए गए हैं तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। अब 101 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। 102 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूं। कह रहे हैं यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब है 4/5 गुना बढ़ जाएगा। 4/5 गुना आपने अगर सही लगाया होगा तो जवाब आपका सही है, अदरवाइज गलत है। अब आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट पैमाने में ताप कितना होगा। तो फॉरेनहाइट पैमाने में ये होगा, जो लगा हुआ पहले से निशान इस पे ध्यान ना दीजिएगा, जो मैं रेड कलर से लगा रहा हूँ सही जवाब ये है। इसका दूसरा जवाब सही होगा 98.6 फॉरेनहाइट।
98.6 फॉरेनहाइट। 104 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो पूरा इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका मान कितना होगा, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से अभी इसको कैलकुलेशन मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल जहां तक, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फ़िलहाल जहां तक चौथा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ये केवल मेरे अनुसार, मैं श्योर नहीं हूं 104 नंबर क्वेश्चन पे, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चौथा शायद सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तीन गुनी हो जाएगी, तो भैया इसका सही जवाब है 20 वर्षों में तीन गुनी हो जाएगी। 105 का 20 वर्ष लगाया है तो बधाई आपको, वरना फिर गलत है। फिर कह रहा है कि 80 mm व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो 3200 mm² होगा, तो 3200 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर पे। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण आपने पढ़ा होगा 78 डिग्री निकलेगा, ना निकल रहा हो तो अपने संबंधित टीचर से, आप अपनी कोचिंग में अपने मेंटर से आप इसको जानकारी ले सकते हैं, 78 डिग्री। आइए 107 के बाद क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 108 पे। तो 108 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है भाई, इसको जूम किया जाए। यदि पी का पी परसेंट 3600 हो तो पी बराबर कितना होगा, बहुत सरल सवाल दिया गया है, इसका सही जवाब होगा 60। अब 60 का 60% आप निकालते हो तो कितना आएगा, 60 का 60% 36 आ जाएगा, 6 × 36, दो जीरो से जीरो कट गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, तो इसका सही जवाब मालूम चल गया आपको 60। नेक्स्ट आइएगा 109 में, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका, इसमें मान ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब है 109 का दूसरा यानी 7 आएगा, 109 का दूसरा यानी 7। 110 में 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, जी हाँ 5 होगी, सही जवाब लगाया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, 125, बिल्कुल सही जवाब दिया है बंदे ने। अब 111 में आपने भी अगर 125 को अपना आंसर बनाया है तो यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आइए 112 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही जो जवाब आपका आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है एक्चुअली। जैसा कि आप जानते हो मैं अमित शुक्ला इंग्लिश का टीचर हूँ, फिलहाल मैंने कोशिश की है मैथ्स के बारे में आपको सही जवाब देने के लिए, तो अब मैथ्स में 100% तो मैं श्योर नहीं, एक मैले पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन निकल गया जिसमें मैंने बताया था कि जो है इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 104 में जो था, और इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए, कंफर्म नहीं है लेकिन देखता हूँ, इसका शायद सही जवाब होगा आपका 6 आया तो ठीक, वरना फिर आप अपने संबंधित टीचर से पूछें। इंग्लिश में आपके जितने मैंने आंसर दिए हैं वो 100% पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो सही हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 21-60 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या कितनी है, ये तो सरल है 14, 14 आ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है 14। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। सबसे छोटी त्रिनेत्र अभाज्य पूर्णांक है कौन है, पता है आपको, 2, जी हाँ यही है 2, तो सही जवाब होगा तीसरा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाई दे अच्छे से, तो ये है हमारा 115 में जो इक्वेशन दे रखी है, इसको मान निकालना है, तो इसका सही जवाब आपका होगा पहला 1236, 1236 के बराबर है 1236। और 116 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दूसरा होगा, 91 आएगा। 117 की अगर मैं बात करता हूं तो 117 नंबर में आपका तीसरा होगा, हमेशा धनात्मक है अगर आपने लगाया है तो सही जवाब है।
118 नंबर क्वेश्चन में चित्र दिया है, विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें विलुप्त संख्या में जो आएगा वो 11 आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आप लगाते होंगे मिसिंग नंबर वाला, उससे आप लगाइएगा। तो अब बताने का यहाँ पे समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप पूरा वीडियो देखोगे भी नहीं। तो सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ चौथा होगा। नेक्स्ट आ जाइए 119 में, कि 119 का आपका जो सही जवाब है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए की घात बी बराबर 125 हो, तो बी की घात ए है, तो इसमें सही जवाब आपका 243 को अगर आपने अपना आंसर माना होगा तो 243 आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही 243। अब हम आ जाते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 नंबर का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, और इस आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं जिन्होंने इस पेपर के आंसर से मिलते जुलते आंसर, जो सही आंसर है, आपने किए हैं। ईश्वर करे आप सबका चयन हो जाए, जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे और आप भी जो है अपने मुकाम को हासिल करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 120 को हम देखते हैं। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 2520, यानी कि 2520। जी हाँ, सही जवाब दूसरा है 2520। और इसी के साथ आपका ये पूरे मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं कर रखा है तो अभी इसको जो बेल आइकन है उसको भी आप पुश कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो है ऐसी ही वीडियोज़ के बारे में मैं आपको समय समय पर जब बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी शाम में भी देखिए इसका पेपर होगा TET का, जो सेकेंड शिफ्ट में होना है, तो उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।